ये लो मैडम, मैडम 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 मैडम, चलो चलो चलो। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, आप कैसे सब हैं आप सब लोग? लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, मैं वीडियो में आई हूँ क्योंकि बीच में मेरे बीमार को, कुछ ज्यादा हो गई मैं थी, बहुत ज्यादा तगड़ी बीमार पड़ गई नहीं थी। हुई थी, सच झूठा है। अरे मतलब वीडियो नहीं बना रही थी तो मतलब बीमार पड़ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी थोड़ा सा गैप ले लिया था मैंने वीडियो से, बट अब दोबारा से रिस्टार्ट हो गया है। आपको सारी वीडियोस में मैं मिलूंगी, सारी नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वीडियो में, क्योंकि मैडम बना लेती हैं सारे वीडियो मुझसे बिना पूछे। आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। पुकी महाराज इज लेजेंड। पुकी महाराज, क्या ये मेरे पुकी दो दिल हैं? है पर तो मेरे एक पास ही, एक ही दिल है, वो कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट। तो गाइस वेलकम बैक हो सभी लोगों का गेमर 32 चैनल पे, और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ की बढ़िया बढ़िया मीम। हम लोगों के दोस्त दोस्त दिख ही नहीं रहे, तो मैं करता हूँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस विद माय फ्रेंड्स। तो आ चुका है सबसे पहले रानी द फानी। आगे गाना नहीं आता तो बंद करना, ये सर में दर्द हो रहा मेरे, बंद कर दे, बंद कर दे मेरे भाई, ठीक है फ्लिट भाई। सर में दर्द हो रहा है। ओके फ्लिट दूसरा भाई, गाइस हमारे साथ आ रहा है, यस सर, द वन एंड ओनली, द चिपी चिपी चापा चापा, द चिपी वन एंड चिपी चापा ओनली चापा। उल्का कापा कापा। भाई ये तो बिल्कुल तैरने के लिए तैयार आ रहे हैं भाई। तू क्या करना चाह रहा है भाई? ये स्नोबोर्डिंग के तू लेके कहाँ से आ गया? अरे वो तो मिल गए थे रास्ते में गिरे हुए। लग ही रहा था तेरे को देख के चोरी करे। आपके वजह से चोरी की है फ्लिट भाई। बढ़िया, आज हम लोगों को देखने भाई कुछ मजेदार मीम्स, सो लेट्स गो, देखते हैं भाई हो जाए, लेट्स गो भाई। बहुत ही ज्यादा मजेदार है यार भाई, को एकदम ये स्ट्रेट बाबा जी का फॉरवर्ड ना सीधी बहुत बात मुंह पे मुंह बढ़िया के चल पास रहा है। भाई मतलब आ जाओ देखते हैं। आपको कोटी कोटी प्रणाम। अंकल फॉरगेट हिज महाराज प्रॉब्लम। जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है, क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं क्या सुनते नहीं आप बोल रहे हैं? महाराज जी ना उल्टी बातें करता है, मतलब हमारे गाने नहीं सुनते क्या? नहीं गाने नहीं सुनते मानते? तो अच्छा ये आप बोलो गाने ना। नहीं मानते? हमें लगा बहरे हैं क्या? आगे सुनाई तो पड़ता है। हाँ सुना पड़ता है महाराज। ठीक है, बच्चे सुनते नहीं है आपकी, फिर सुनते नहीं है तो ठीक है भाई। वो सब तो ठीक है, बट बाइक गाड़ी चलानी नहीं आती। आप उनके पिता, आप उनके पिता हैं बच्चों के, उसके बाद वो पूछते जाए तुमने सुना ही नहीं यार। मीम तो देखो भाई, वो उसके बाद बोलते हैं एंड में, उनने पूरा बोल दिया मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है। पहले तो उनने मजे ले लिए उनसे कि बहरे हैं क्या, और उसके ये बाद, से और अपन उसके मजे बाद लेने उनके एंड लेने में लग गए ना। आपके बच्चे हैं। अरे भाई गजब भाई, गजब भाई, ये बहुत खतरनाक, बहुत सैवेज रिप्लाई देते हैं भाई। भाई ये तो है भाई, मजा आ ये तो है जाता भाई, है बहुत बहुत खतरनाक की महाराज भाई, हेटेड भाई, मैनी डिफीटेड भाई, नन। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे पत्नी? तो आपकी पत्नी भी है? यार महाराज जी से मस्ती नहीं, महाराज जी से मस्ती नहीं भाई, भाई महाराज जी एक एक पॉइंट भाई। आज पकड़ लेते बाबा हैं। जी पर बहुत मीम लेके आए हुए भाई, हमारे लगता है जो मीम फाइंडर है वो आज वो ना बाबा जी से प्रॉब्लम को कम आए। ही पॉइंट ज्यादा फाइंड करता है। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक एक सीसी तो इतनी बस, इतनी वाली सीसी नहीं, छोटी वाली है, छोटी सीसी। कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो सिंपल वो? फाइल देखो ये है ना, ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं माँ बाप, तभी इनके पास की प्रॉब्लम आती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको कैसे पता 50 का वो आता है? ये भी पीते होंगे बाबा जी बोल रहे हैं, अगर इतनी बड़ी होती तो रात में मेरे साथ बैठेगा। भाई लेकिन मैंने एक्चुअली इनकी एक मीम देखी है जिसमें वो बोलते हैं कि भाई कि आज साथ में पीते हैं करके। अरे ये तो तुम्हारा भाई आ गया, 1.5 घंटे के लेक्चर देने के बाद मेरी मम्मी। देखो मेरा काम है बताना, अब तुम्हें नहीं करना तो मत कर, ठीक है?
भाई ये लेजेंड, मेरा मुंह सूजा हुआ, दांत टूटे, पता है तुम लोगों इसकी कहानी क्या है पीछे? भाई लिटरली मेरा मेरा दांत खड़े हुए हैं, मैं अब भी आया हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश, गाइस ब्रश योर टीथ डेली ट्वाइस एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके प्यार से समझा रहा हूँ। बंदे लास्ट में आके बोले मैं तो नहीं करूंगा, तो मैंने कहा भाई तू सुन, तू ही सुन, ठीक है, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम्हें नहीं करना है तो मत करो भाई। और वो इतना वायरल हुआ है ना भाई, इतने लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज आए, उसमें कुछ उल्टी सीधी चीजें भी लिख देते हैं लोग, बट मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन तो मैंने ही बनाई थी ऐसी वायरल भी ना चलेगा, आपके नाम से तो हो जाती है। शराब पीते हो? ये देखा है यार, शराब पीने वाले बहुत ज्यादा नहीं आते इनके घर पे, फिर आज शाम को अपन दवा पियेंगे। यही वाला था, दोनों उसमें नीचे से लिखा था, दोनों भाई दोनों तबाही। भाई ऐसा लग रहा है बाबा जी के सत्संग पे बैठा हुआ है इसमें तीन भाई, वो लेजेंड भाई मजाक से, यहाँ पहले तो मीम्स ही इतनी आ रही है, और उसके ऊपर से भाई वो बंदा बोलता है कि भाई कभी कभार, तो उन्होंने कहा आज दोनों भाई बैठेंगे मिलके। हाउ नॉर्मल पीपल सी ट्रैफिक, हाउ रजत दलाल, ओ ये वही क्लिप है क्या ब्रो? ये वही क्लिप है भाई, ये इसमें मेरे ख्याल से वर्टिस या टाइगन कुछ तो चला रहे हैं वो भाई, इसमें बहुत खतरनाक सीन था भाई। वहाँ देखो ऊपर देखो नॉर्मल लोगों का ट्रैफिक, और इनका देखो कॉइंस कलेक्ट कर भाई भाई गाड़ी से सब में सर्वर खेल रहा है भाई भाई लिटरली देखो ना भाई उधर वो भाई गाड़ी से सब में सर्वर खेल रहा है भाई, वो देखो कॉइन कलेक्ट हो रहे, तुम देख रहे हो कॉइन कलेक्ट हो रहा है वो गाड़ी पे, तुम समझ रहे हो? जो वो ज्यादा वायरल कौन सा वाला है जिसमें वो बंदा कलेक्ट नहीं करता है कॉइन, जिसमें बंदा देखा ना वो कॉइन नहीं कलेक्ट करता है, लेकिन वो उसमें लास्ट में दिखा रखा है बाइक वाला टुकता है उसमें कॉइन कलेक्ट की आवाज ही है भाई। शुक्र है रजत भाई के पास वो मैग्नेट नहीं है जिससे अपने आप कॉइन कलेक्ट होते हैं। भाई गलत हो जाता सीन, अरे भाई साहब भाई उनो रिवर्स लौंडे आके रजत भाई को टोक रहे, रजत भाई बोल और उसके बाद बोले यार ये बात मत देखो भाई ये तो रोज का है मेरा। भाई बाबा जी डे बाय डे बाबा जी इज बैक गाइस, और आप भाई को लिख के भेज दें तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है, कोई आपसे क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? पर ये देखो ये वाला देखो ये क्या है भाई, ये ना वो करने की कोशिश करता है चाइल्डिश, मतलब बाबा जी ये वाला क्या है मतलब जेन्युइनली भाई, मतलब भाई लेकिन एक्चुअली ये पता है तुम्हें, वैसे जस्ट किडिंग, मजाक वजाक सब साइड में अपनी जगह पे, बट तुम्हें पता नहीं होगा अगर बाय चांस तो बाबा जी भाई बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। करेक्ट, मतलब जितने अनाथ लोग होते हैं, अनाथ छोड़ो जितने ब्रज, भाई ऐसे गंदे लोग ब्रज लोग जो होते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन उससे बड़ा तो पाप ही नहीं है कोई दुनिया में, बट भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते, तो इनके पास वृद्ध आश्रम सब है पता है तुम्हें, सबको लगा है, और इतने लोगों के लिए है वो गौशाला वृद्ध आश्रम अनाथ आश्रम और भी मतलब भंडारे करना वो सब चीज़ें, तो भाई मेरे उस चीज़ के लिए तो भाई मैड रिस्पेक्ट है इनके लिए मेरे को भाई, मतलब इतने सारे लोगों की मदद करना वो सब चीज़ें, पर दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि ये क्या है भाई, ये क्या है भाई। बाबा जी हमारे मदद कर रहे हैं भाई, हमको मीम्स देके एक्चुअली भाई यार, बाबा जी थैंक यू बाबा जी। कहाँ से? मर्द हमेशा बेटर की तलाश में रहता है, उड़ीसा से, वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में, नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना, तो इससे महंगी भी थी क्या? और हंस के पूछ रहे हैं और उसके बीच में लिखा है मर्द हमेशा बेटर की तलाश में रहता है। मतलब वो मुझे पूछ भी रहे भाई अगर तुम 80,000 की ले आए तो इससे महंगी भी थी क्या? भाई अब मेरे को पैसे कमाने की मोटिवेशन मिल चुकी है भाई। कैसे भी भाई 80,000 रुपए कमा के, भाई मेरी जैसी हालत हो रही है ना गाइस, मुझे भी लगता है 80,000 रुपए कमा के उड़ीसा ही जाना पड़ेगा लास्ट में। इससे महंगी भी है क्या? अब मैं इस क्लिप का पूरा देखता हूँ कि क्या उस बंदे ने हाँ बोला या ना बोला। बताओ क्यूटी प्लस 91 में क्या जोड़े कि आपका नंबर बन जाए, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, ई की मात्रा भाई, नहीं आखिरी मात्रा भाई, एक्चुअली भाई क्या हैंडसम लग रहे ना एकदम, और प्रॉपर भाई अटायर देखो बिल्कुल कपड़े वपड़े भाई, भाई एक्चुअली एकदम पूकी थे भाई बाबा जी यार अपने टाइम पे, नहीं
क्या क्यूट लग रहे हैं भाई, मतलब ये तो है। वैसे लड़कियां तो आज भी फिदा है बाबा जी के ऊपर। अगर रफ्तार भाई ने ये क्या बात बोली, बात बोली थी बहुत तगड़ी। मैं एक हाउस पार्टी में था, शो खत्म हो गया था, उसके बाद मिला था मैं। वो मेरे को बोलते कहते हैं दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। तो ये बात जो है जो मैं बोल रहा था कि ये भाई ये दानिश भाई के नाम पे मिल्किंग जली, ये किंग भाई भी कर रहे हैं अब। किंग भाई भी यही करने लग गए क्या? इतना बढ़िया वॉर क्राई गाना निकाला भाई, मैं वहां पे बिल्कुल एकदम फुल फील में रफ्तार भाई और किंग भाई भयंकर वहां फुल वॉर क्राई चल रहा है ऐसे, बिल्कुल समझ रहे तुम लोग। वहां पे एक डब्बा रखा था उस पे भी सिर्फ धूल ही जमी थी भाई, वहां वो चल रहा है यार दानिश भाई। अगर किसी का नाम ही नहीं भाई यार, मतलब और मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं तो, ऐसे उड़ता भाई कि ऐसी कौन सी बात करी है रफ्तार भाई ने जो हमें भी बताओ यार, मतलब यार हम भी सुनना चाहेंगे भाई। लेकिन रफ्तार भाई ने भी वही बोला दानिश भाई रहते थे ना, आज कोई होता नहीं था। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूंगा, मन नहीं है शादी करने का। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? हैं? हैं? आप पसंद? भाई ये रिएक्शन मेरा नहीं है, ये एक्चुअली बाबा जी का रिएक्शन होगा उस टाइम पे। हैं? भगवान आप बाबा जी वही जैसे आऊं मैं अपनी पे आऊं मैं। भाई यार ये तो ट्विस्ट हो गया यार, बंदा उसने पहले पूरा बोला सब कुछ, शादी हो गई नहीं, सारी बातें खत्म हो गई, उनसे पूछा तो आप कोई पसंद है तो बता दो, आप ही पसंद हो। मीट टू माय बेस्ट फ्रेंड एवरी टाइम। क्या? मीट टू माय बेस्ट फ्रेंड एवरी टाइम, आप पसंद हो। अरे फ्लीट भाई आपको बोल रहा है, देख लो भाई ये तो मेरा बेस्ट, ये तो बगल में भी आपके, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई, पहली बता दूं मैं, ठीक है? ये मेरा सुअर फ्रेंड है, सुअर फ्रेंड, ठीक है? वो भी तो बेस्ट फ्रेंड ही हो गया ना। चल ठीक है ले ले, चल थोड़ा सा अपने बेटे से शादी करता है कोई? और वैसे भी कोई वही आके मारूंगा। अरे बाबा ये तो वो है ना जोकर का कॉस्प्ले भाई प्रॉपर। अबे ये क्या अबे यार ये क्या हो रहा है? अच्छा वो मारने लोग भाई मेरे को ऑनेस्टली लगा कि ये वाली मीम तो नहीं डाल पाएंगे आई गेस। भाई ऐसा ही होना चाहिए बटन के साथ, ठीक है? होना ऐसे ही चाहिए, होना यही चाहिए। और ये अंकल लोग ही सही कर पाएंगे, अब मैं बता रहा हूँ तुम, होना यही चाहिए और अंकल लोग ही सही कर पाएंगे। रोनी को मारा करो ना फिर। हाँ यार रोनी को भाई इसका इंस्टा देखना कभी कैसी कैसी बनाता है भाई, मैं दूंगा तीनों का इंस्टा देखना, सबसे अच्छी रील तो मैं ही बनाता हूँ। बनाता हूँ भाई, अच्छी बनाता हूँ भाई। वॉशरूम जा रहे हो और आपको ये दिख रहा है, अब क्या करोगे भाई? ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, इसने कोट में मुंह डाल लगा है, ये दिख रहा है देखिए, क्या दिख रहा है देखिए, देख रात को तू जा रहा है टॉयलेट में, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुझे। अरे ये क्या हो गया, समुद्र से आए भाई ये, भाई सलमान भाई वाली मीम आ गई बोल रहे भाई। सलमान खान आया हमारे शादी पे, भाई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इन दोनों का, बट ये दोनों गायब का है भाई, अब ये तो बहुत दिखते थे पहले भाई, इनका तो नाम करें। ये देखा लड़की का नाम पता है भाई को, किसी का पता हो ना हो लड़की का नाम पहले पता है भाई को। भाई सलमान भाई को भी पता है मेरे को। अरे सलमान भाई का नाम किसको नहीं पता है भाई, हेलो सर सलमान खान सर का नाम किसको नहीं पता है यार। मैं बताऊं भाई इनका नाम क्या है, करण है ना इनका नाम कुछ, करण कुंद्रा नहीं वो तो, अरे ये तो विवेक ओबरॉय है, विवेक ओबरॉय है नहीं, वो अलग है भाई, वो अलग है भाई, वो मैं मुझे पता है वो अलग है भाई। हैं वो है, मैं बताऊं सलमान भाई का नाम किसको नहीं पता? हां किसको? फुटपाथ पे सो रहे थे उनको पता था लेकिन अगले दिन भूल गए वो, उनको ही पता था, उनको ही पता था, बिलीव मी ब्रदर उनको ही पता था।
लेकिन गवाही नहीं दे पाए पता है सलमान सलमान भाई का नाम किसको नहीं पता था भाई भाई ये पता कैसे होते जा रहा है, ये वो होते जा रहा है जो बंदे बोलते ना कि वो क्या कहते उसे इन हराम को रोको माइक और कैमरा मत देना कभी, वैसे ही बनते जा रहे हो। तो गाइस यार ये थी हमारी आज की कुछ मीम्स और हमारे सारे के सारे दोस्त। यस सर गाइस ढेर सारा प्यार दिखाना, सबके इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके सबको फॉलो करना, ढेर सारा प्यार दिखाना, मेरे को भी जाके फॉलो करना, 2 मिलियन होने वाले हैं। तो यस जल्दी से जाओ जाके प्यार दिखाओ सब लोगों को। और बाकी आई होप आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करना, और अगर भाई प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बता देना कमेंट्स में सारी की सारी बातें अगर तुम ऐसी और बहुत सारे मीम रिएक्शन देखना चाहते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। बाकी आप सभी के आप सब मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि नमन। बाय गुरुजी, हमारे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं वो गलती से मिस्टेक हो गई थी, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं अभी गुरुजी पर, और डेली आते रहते हैं कुछ ना कुछ अपडेट, नया कुछ ना कुछ आता रहता है, और मतलब उनके रिप्लाई सच में बहुत सेवेज होते हैं। नहीं पहले ना उनको नेगेटिव बना दिया था, हाँ। कि ये कैसे गुरुजी कुछ भी, वो एप्पल वाला जो बना था, एप्पल तोड़ा तो लहसुन और प्याज वाला था, बहुत सारी चीज थी जिसकी वजह से उनकी जो छवि है वो नेगेटिव आ गई थी। बट उसको क्लियर किया था जब उनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी, और सच में वो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं। मतलब उनके यहाँ पर उनका खुद का ओल्ड एज होम है और गौशाला है। काफी लोग क्या करते हैं वहीं पे जहाँ सत्संग आता है, सत्संग में ही आते हैं, अपने माता या पिता को छोड़ के चले जाते हैं, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है नहीं आप कर पा रहे हो, मैं हूँ मैं कर लूंगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है, और जिसकी वजह से काफी चीजें क्या होता है ना कि मीडिया आपको चढ़ा भी देता है उतार भी देता है, तो उतारा तो चढ़ाया भी। तो हम अपनी इंस्टा आईडीज नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ। बाय बाय, रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय।